रेड एफ एम अते देश प्रदेश टीवी वालों पिछले 3 हफ्तों तो कैनेडा के इतिहास नूं पंजाबी विच पेश कीता जा रहा है। ये साडा अपने स्रोतियां ते दर्शकां नाल वादा सी कि असी अपने इस शानदार मुल्क के इतिहास तो उन्हां नूं जाणू करवावांगे, नाल ही कैनेडा की सिटीजनशिप हासिल करने वास्ते पुछे जाते सवालों के जवाब भी तुहानूं इस विच मिल सकते हैं। मैं हिस्टोरीयन जां इतिहासकार नहीं हाँ ते ना ही इसका दावा करदा हाँ, पर यह कोशिश वख-वख स्रोतों तो ली गई जानकारी ते आधारित है। जे तुसी पिछलियां किश्तां नहीं वेखियां तां तुसी रेड एफ एम दे यूट्यूब चैनल ते जाके उन्हां नूं वेख सकते हो। अज पेश है इस सीरीज़ की 4थी किश्त। अपर कैनेडा ते लोअर कैनेडा नूं आपो अपनी विधानसभा दे दित्ती गई। लोग आप अपने नुमाइंदे चुनते सन पर उन्हां सरकारां कोई असल ताकत नहीं सी। अमेरिकन अते कैनेडियनज़ दे आपस में रिश्ते कुल मिला के दोस्ताना ही रहे, पर 1812 की ही एकमात्र अजिही लड़ाई रही जिस विच अमेरिका ते कैनेडा दे विचकार बहुत तंगी कशीदगी बनी रही। बरतानिया ने अमेरिकन समुद्री जहाज़ों की वरतों करके फ्रांस उपर हमला कर दिता। ये समुद्री जहाज़ फ्रांस नूं जा रहे सन ते बरतानिया ने इन्हां नूं रोक के उन्हां उपर अपने फौजी चढ़ा दिते। उन्हां दिनां विच फ्रांस विच नैपोलियन की अगवाई सी ते उसकी बरतानिया की लड़ाई चल रही सी। नैपोलियन ने बरतानिया के जहाज़ों की आवाजाई बंद करके इंग्लैंड के व्यापार की रीढ़ तोड़ दी। बरतानिया ने अमेरिकन समुद्री जहाज़ चालकों को बंधक बना लिया ते उन्हां कोलों अपने जहाज़ चलवाए। साल 1807 तो 1817 तक अमेरिका के 4थे राष्ट्रपति रहे जेम्स मैडिसन ने इंग्लैंड की इस कार्रवाई का सख्त विरोध किया। अमरीकी कांग्रेस ने उसकी अपील को स्वीकार करदिया इंग्लैंड नाल जंग का ऐलान कर दिता। अमेरिका ने बरतानिया के कब्जे वाले कैनेडियन इलाकों उत्ते धावा बोल दिता। ये धावे कई बार बोले गए। अपर कैनेडा, लोअर कैनेडा अते झीलों वाले इलाकों ते अटलांटिक खेतरां विच अमेरिकन फौजां दे हमले हुंदे रहे। जदों 1814 विच इह जंग खत्म हुई तां किसे भी धिर ने कब्जे विच हासिल कीते इलाकों उत्ते दावा नहीं कीता ते दोवां दे रिश्ते फिर दोस्ताना बन गए ते इसे तरह बने रहे। 1815 विच उस समय दी कलोनियल असैंबली विच लुई जोसफ पैपिनो नूं स्पीकर चुन लिया गया। उन्होंने सुधारां दी जंग शुरू की हुई सी जिस नूं बरतानिया की सरकार लगातार अणडिठ करती आ रही सी। साल 1834 विच असैंबली विच 92 रेजोल्यूशनस जां प्रस्ताव पास कर दिते गए। लुई जोसफ पैपिनो ने बरतानिया सरकार उत्ते दबाव वधाउण वास्ते धरने प्रदर्शन शुरू कर दिते ते सिविल नाफरमानी ते बाइकॉट्स का सद्दा देना शुरू कर दिता। सरकार ने लुई जोसफ पैपिनो नूं गैर कानूनी ढंग नाल गिरफ़्तार करन दे हुक्म जारी कर दिते। साल 1837 विच इस गिरफ़्तारी का हथियारबंद विरोध करन अते लोअर कैनेडा विच विद्रोह करन दी योजना बना ली गई। बरतानवी फौजां ने इस विद्रोह नूं दबा दिता ते लुई जोसफ पैपिनो नूं अमेरिका भजन लई मजबूर कर दिता गया। इस तों एक साल बाद फिर विद्रोहियों ने इकट्ठे होकर हल्ला करन दी योजना बनाई, पर इस नूं भी सख्ती नाल दबा दिता गया। इस बार जान माल का काफ़ी नुकसान भी होया। साल 1838 विच बरतानिया ने लॉर्ड डरहम नूं कैनेडा का नवा गवर्नर जनरल नियुक्त किया ते उस कोलों बगावतां दी सारी जानकारी हासिल की। उसने दस्या कि बरतानवी अते फ्रेंच मूल की लड़ाई ये चल रही है ते इको देश विच रह रहे दो वख-वख मूल दे लोग आपस विच लड़ रहे ने। डरहम ने लिखिया कि फ्रेंच मूल दे लोग पिछड़े हुए ने ते इन्हां नूं इकट्ठे कीते जाण दी जरूरत है। इस नाल फ्रेंच बोलण वाले लोग अंग्रेजी बोलण वालिया नाल एकमिक हो सकते ने ते लड़ाई खत्म भी हो सकती है। ये उन्हां दी सलाह सी। साल 1840 दे एक्ट ऑफ यूनियन दे तहत अपर अते लोअर कैनेडा नूं जोड़ दिता गया ते इसका नवा नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ कैनेडा रख दिता गया। आखिर 10 जुलाई 1841 नूं नवा देश होंद विच आ गया। अपर कैनेडा हुण कैनेडा वैसट अते लोअर कैनेडा कैनेडा ईस्ट के नाम नाल जाणिया जाण लग्या। दोवां नूं 42-42 विधानसभा सीटां दे दित्तियां गईयां। अंग्रेजी भाषा सरकारी भाषा बन गई ते फ्रेंच उत्ते पाबंदी लगा दित्ती गई। इसे दौरान भावें कि वधेरे अंदरूनी अधिकार ते खुदमुख्तियारी डोमीनियन ऑफ कैनेडा दे कोल आ गए सन, पर फिर भी ये बरतानिया की कलोनी ही बनिया रहा।
ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਮਾਤਹਿਤ ਜਾਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ।